चला गया भैया संजय नगर, उधर सुनील को फोन कर लो, आप बात कर लो। हर्षद मम्मा जी, आज आपके कैंप लगाए, क्या कहना चाहते हैं? जनता की सुविधा के लिए निरंतर प्रतिवर्ष ये कैंप लगवाता हूँ और जनता को इसका लाभ मिले, और हर वर्ष 10% की छूट भी करवाता हूँ, जिससे कि छूट के लाभ का जनता को लाभ मिल सके, और उसके साथ साथ नगर निगम में अधिक से अधिक रेवेन्यू भी जमा हो सके, इसके निमित्त ये कैंप लगवाता हूँ। वहाँ आदमी इतनी दूर जाए, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें बुजुर्ग परेशान होते हैं वहाँ, क्योंकि नगर निगम में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि करदाता वहाँ जाके सहूलियत के साथ खड़े होकर अपना टैक्स जमा कर सके, और मैंने इसीलिए अस्थाई टीन सेट यहाँ डलवा रखा है, बिजली की, पानी की, पंखों की सब व्यवस्थाएं करवा रखी है, कुर्सी मेज सब डलवा रखी है, पानी की व्यवस्था करवा रखी है, जिससे कि हर तरीके से आम जनता को राहत मिले और समय से कर की अदायगी हो, निगम को राजस्व की प्राप्ति हो और निगम से जनहित के कार्य कराने में सुविधा हो। ये कितने दिन का कैंप है? ये आज मंगलवार और कल बुधवार दोनों दिन ये कैंप लगेगा, उसके आगे जब कभी जरूरत पड़ेगी पुनः कैंप लगवाया जाएगा। और कोई बरेली की संदेश? बरेली की जनता से एक निवेदन है कि शहर को स्वच्छ रखें, कूड़ा सड़क पर ना फेंकें, डोर टू डोर वाले को ही दे, समय से करों की अदायगी करें और कहीं अतिक्रमण ना करें। अब रेड लाइट ग्रीन लाइट जो चालू हो गई है उसका पालन करें। आपके घर के आगे अगर किसी ने आपकी मर्जी के बगैर वाहन खड़े करें तो उसकी सूचना उसका फोटो भेज के माननीय SP ट्रैफिक बरेली को सूचित करें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।